सबसे पहले आप लोग जो है तो इस गाड़ी की फायरिंग सुनिए, किस तरीके का नॉइस आ रहा है इसके अंदर, ये देखिए। बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रहा है इसके अंदर। फायरिंग को जो है तो बिल्कुल गौर से सुने, इस चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा भी एक्सीलेटर अगर आप देंगे तो बहुत नॉइज बढ़ जाता है इसका। इस गाड़ी का पहले भी काम होकर आया हुआ है, इसका जो है तो कनेक्टिंग बेयरिंग रिप्लेस की हुई सामने वाले ने, उसके बाद भी जो है तो नॉइज़ बिल्कुल बंद नहीं हो रहा। हमने इसका टैपेट कवर ओपन कर दिया है और इसके HLA भी डाले हुए है, तो अपने को चेक करना है कि इसका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। सबसे पहले जो है तो HLA चेक कर लिए हमने, HLA के अंदर बिल्कुल भी प्ले वगैरह कुछ भी नहीं है, HLA बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है तो सामने वाले ने इसके HLA भी चेंज किया है, टाइमिंग चेंज रिप्लेस की है और जो है तो कनेक्टिंग की बेयरिंग भी डाली हुई है, फिर भी जो है तो गाड़ी के अंदर जैसा नॉइज़ था बिल्कुल वैसा ही नॉइज़ है। तो उसको स्टेप बाय खोलेंगे हम। सबसे पहले जो है तो टैपेट कवर खोल लिया हमने, उसके बाद इसका फाउंडेशन, ऑयल पम्प, वाटर पम्प, नीचे का चेम्बर, नीचे का फाउंडेशन, टर्बो, ये सभी चीज़ें जो है तो सेट कर लेंगे के करके। वायरिंग वगैरह ये जो है तो सब हटाना पड़ता है। इसका जो है तो डायरेक्ट हमको हेड ओपन करके देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऊपर के जो चीज़ें वो कस्टमर ने सारी की हुई है, जैसे कि HLA, दूसरा कनेक्टिंग बेयरिंग, ऑयल पम्प, टाइमिंग चैन, टाइमिंग टेस्टनर, ये सभी चीज़ें जो है तो चेंज की हुई है। उसके बाद सामने का फ्रेम जो है तो निकाल लिया है हमने, उसके बाद पीछे का फाउंडेशन खोल लेंगे, चेम्बर खोल लेंगे इसका, इनलाइट मैनिफोल्ड, एल्बो, साइड के पाइप, ये सारी चीज़ें साइड कर लेंगे। और उसके बाद जो हेड निकालेंगे, जब ही हमको समझेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या था गाड़ी के अंदर, क्योंकि तो बाहर से जो है तो पूरा खेल कर आई हुई गाड़ी, दो तीन वर्कशॉप के ऊपर इसका काम हुआ है, तभी भी जो प्रॉब्लम इसके अंदर है वो जैसा क्या है वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं आए हैं। गाड़ी नॉइस कर रही है, मिसिंग कर रही है, हल्का सा धुआं भी मार रही है, ये जो सारी चीज़ें थे बाकी की जैसी की वैसी ही है। तो इसका प्रॉब्लम जो तो सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से जो है तो इसको पूरा हेड उतार कर ही देखना पड़ेंगे क्या इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है। ये नॉइज़ जैसे ही आप एक्सलेटर देंगे वैसे ही बढ़ते जाता है नॉइज़। कनेक्टिंग बेयरिंग भी रिप्लेस की हुई है इसके अंदर, ये पिल्ली का बोल्ट खोल लेंगे इसका, एक माइनस स्क्रू ड्राइवर जो है तो फ्लाईव्हील के अंदर लॉक करके, 22 mm का जो है तो इसका क्रैंक का बोल्ट आता है और इसकी जो खोलने की पोजिशन होती है सीधी तरीके से खोलना पड़ता है, उसके उल्टे थ्रेड नहीं आते जैसा कि स्विफ्ट आर्टिका में वगैरह में उल्टे थ्रेड आते हैं क्रैंक के, तो इसके जो थ्रेड है क्रैंक के सीधे थ्रेड ही आते हैं। ये खुल गया है हमारा बोल्ट, इसको पुल्ली वगैरह जो है तो साइड में कर लेंगे। बाकी ये ऑयल पम्प के 10 के बोल्ट वगैरह सब खोल लेंगे हम, जब तक कि हमारा हेड जो है तो बाहर नहीं आएगा, जब तक कि हमको समझ नहीं आएगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऊपर की सारी चीज़ें नवी है जैसा कि देख सकते हो आप, टाइमिंग चेन वगैरह, ऑयल टेस्टनर, HLA, टाइमिंग चेन, सभी चीज़ें डाली हुई है। ऊपर तो इसका कोई आवाज़ नहीं है, आवाज़ जो है तो अंदर से आ रहा है जहाँ पर फायरिंग होती है पिस्टन और हेड के बीच में, वहाँ से नॉइज़ आ रहा है। और इंजेक्टर का भी जो है तो काम कर दिया है कस्टमर ने, चारों ही इंजेक्टर के कंट्रोल वायर भी रिप्लेस किए हुए है और चारों इंजेक्टर हम ये चेक करके लाए, चारों इंजेक्टर भी एकदम ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
बाकी इसके कैम वगैरह खोल लिए हमने, HLA भी खोल निकाल लिए। अब जो है तो इसका हेड लूज कर हेड बाहर ले लेंगे। पूरे HLA जो है तो एकदम क्लीन है, बोले तो जो लूज पड़ जाते हैं वो बिल्कुल भी लूज वगैरह कुछ भी नहीं है। HLA वगैरह सब डाले हुए है तो उसका कोई शॉर्ट ही नहीं। टाइमिंग चेंज भी रिप्लेस की हुई है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों केम शॉप भी हमने चेक कर लिए। केम शॉप के अंदर क्या होता है कि इसके जो HLA जिसके ऊपर चलते हैं गोटिया, वो गोटिया जो है तो घूम जाते हैं, पर वो भी चेक किया है हमने दूसरे केम शॉप लगा कर, फिर भी जो है तो वही नॉइस आ रहा था। इसका हेड बाहर आ गया है, देख सकते हो आप, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। एक नंबर के अंदर जो है तो प्रॉब्लम है, देख सकते हो आप, इसका हीटर प्लग जो है तो पूरी तरीके से पिघल गया है और वाल डैमेज हो गया है एक साइड से। एक नंबर का जो वाल है वहाँ पे आप देख सकते हो हीटर प्लग जो है तो पूरा पिघल गया है और वाल जो है तो पूरा डैमेज हो गया, एक साइड से टूट गया है पूरा। ये छोटा वाल देख सकते हो आप, पूरी तरीके से जो है तो डैमेज हो गया है। इस वजह से जो है तो इंजन के अंदर नॉइस आ रहा था और मिसिंग आ रहा था और हल्का सा धुआं भी आ रहा था, गाड़ी पिकअप बिल्कुल नहीं कर रही थी। देखिए आपको थोड़ा जूम में बताते, ये देखिए, ये देख सकते हो आप किस तरीके से जो है तो ये डैमेज हुआ है। हीटर प्लग जो है तो पूरी तरीके से पिघल गया है इसका। तो मेन इसका रीज़न जो था नॉइस आने का, वो इस वजह से आ रहा था कि इसका जो है तो एक नंबर तो पिस्टन चलता है वहाँ पर जो है तो वाल पिघल गया, इसलिए जो है तो मिसिंग कर रही थी गाड़ी और नॉइज़ बहुत आ रहा था उसका। बाकी पिस्टन पे थोड़ा सा हल्का सा मार देख सकते हो तुम, तो इससे कोई बेरिंग वेरिंग डैमेज नहीं हुई है, हल्का सा मार है पिस्टन का जो उसका छुरा गिरा हुआ था। और नीचे कनेक्टिंग बेरिंग भी सेफ है क्योंकि कनेक्टिंग बेरिंग रिप्लेस की हुई है इसकी। इसके पहले जब ये प्रॉब्लम हुआ था, जब कनेक्टिंग बेरिंग मार खाई होंगी शायद, तो तभी सामने वाले ने इसे रिप्लेस किया है। ये देखिए वापस से एक बार आपको बता रहे हैं इसका वाल डैमेज जो है, देख सकते हो आप हीटर प्लग है इसका पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। ये देखिए आपको स्प्रे करके बताते हैं, ये वाल के अंदर से जो है तो डीजल बाहर आ रहा है पूरी तरीके से, वाल जो है तो डैमेज हो गया है इस वजह से जो है तो डीजल बाहर आ रहा है। इसको जो है तो हम रिप्लेस करवा लेंगे, हेड का काम करवा लेंगे, वाल वाल सील नए डाल देंगे इसके अंदर। फाइनली हमारा हेड जो है तो आ चुका है, हेड का पूरा पूरा काम कर लिया है हमने, देख सकते हो आप। हेड को सरफेस की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हेड जो है तो आउट नहीं था हमारा, गाड़ी ओवर हीट नहीं हो रही थी, पानी नहीं फेंक रही थी, सिर्फ नॉइस की वजह से जो है तो हेड खोला हुआ था हमने। तो देख सकते हो आप वाल पूरे जो है तो डाल दिए हमने, वाल वाल सील वाल नैपिंग ये सभी चीज़ें हो गई है, एकदम अच्छा फ्रेश धो लिया है हमने हेड को। बाकी इंजेक्टर की जगह वगैरह भी अच्छी क्लीन करा है, पिस्टन वगैरह भी अच्छे से साफ कर लिए हैं हमने, देख सकते हो। ये चीज़ें सारी अच्छे से क्लीन करना होती है, उसके बाद में ये हेड गैस्केट लाई हुई है हमने, देख सकते हो। हुंडई वरना डीजल को भी आती है, i20 को भी आती है, हुंडई का सिंबल है इसके ऊपर, ओरिजिनल नहीं है, बाहर की कंपनी इंपोर्टेड, और ये चल जाती है हेड गैस्केट। इसके बाद हेड टेक दिया है हमने। बाकी हेड गैस्केट के जो होल होते हैं मेन हेड के बोल्ट बराबर मैच करना होते हैं, थोड़ा भी अगर इधर 19-20 हो जाए तो हेड गैस्केट का जो पतरा है वो डैमेज हो सकता है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप टाइट कर देंगे और इसको
टाइट कर देंगे। टॉर्क तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये हमारा अंदाजा टॉर्क है, उस हिसाब से इसको टाइट कर देंगे। हेड को अच्छी तरह से कस लेना है, अगर थोड़ा भी हेड जो है तो लूज रहेगा तो गाड़ी पानी बॉईल करती है और साइड के डब्बे में से जो है तो पानी ओवरहीट हो जाता है। एक बोल्ट आता है इसको हेड के अंदर 12 mm का, और उसके बाजू का एक दो बोल्ट आते हैं 12 mm के, ये लगा देंगे हम उसको। HLE भी सभी चेक कर लिए हमने, HLE के अंदर कोई नॉइस वगैरह नहीं है कुछ भी, HLE पूरे टाइट है। जब HLE एकदम लूज पड़ जाते हैं तो उसका नॉइस आता है, तो HLE तो ये रिप्लेस किए हुए थे तो हमने वापस से यही HLE जो है तो यूज़ किए है, क्योंकि न्यू HLE जो है तो इसके बहुत महंगे है, तो HLE यही लगा देंगे हम। उसके बाद कैम फिट कर देंगे, इसके कैप जो है तो लगा देंगे, तो ऊपर की तरफ टाइमिंग की तरफ लगाना होता है, दोनों की का जो मुंह है ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसको लगा देंगे ऊपर की तरफ। ये टाइट कर दिया हमने 10 mm के जो है तो पूरे बोल्ट, देख सकते हो आप। उसके बाद आते हैं टाइमिंग चैन की तरफ, ये दिख रहा है जो डॉट टाइमिंग चैन के ऊपर जो है तो मार्किंग आती है, इसको ये मार्किंग ये डॉट के ऊपर मिलाना होती है, जो गियर के ऊपर जो डॉट आता है ये देखिए, ये ऊपर कैम शॉप की टाइमिंग है। और नीचे पंप के तरफ भी जो है तो टाइमिंग आती है, पंप के ऊपर जो डॉट होता है उसके ऊपर मिलाना होता है, एक ये डॉट टाइमिंग चेन के ऊपर कलर का मार्क होता है, एक चेन जो है तो अलग कलर की होती है उसके ऊपर डॉट को मिलाना होता है। और नीचे से जो है तो गाड़ी जो है तो TDC के ऊपर रहेंगी, ये TDC पोजीशन बोले तो इंजन पिस्टन जो है तो टॉप के ऊपर होते हैं, 1 नंबर और 4 नंबर और 3 नंबर और 2 नंबर जो है तो नीचे की तरफ होते हैं। ये पंप की टाइमिंग है, देख सकते हो आप, उसको वाइट कलर लगाया है हमने आपको दिखने के लिए। और दूसरा ये डॉट, एक नीचे क्रैंक से पंप की तरफ आता है, हाई प्रेशर पंप की तरफ, और ऊपर कैम की तरफ जाता है, ये इसका हाइड्रोलिक टेस्टनर है, इसको इस तरीके से लॉक कर देना है। टाइमिंग लॉक टेस्टनर लॉक हो जाता है। इसके बाद ये सारे साइड के जो है तो टाइट कर देंगे हम, टाइमिंग रनर 10 mm के बोल्ट लगते हैं इसे, तो टाइमिंग रनर को टाइमिंग टेस्टनर को इसको टाइट कर देंगे। और ये TDC और पोजीशन चेक कर लेना है, ये पंप की टाइमिंग, ये एक पंप की टाइमिंग ये चेक कर लेना है। उसके बाद ऊपर की कैम की भी चेक कर लेना है, नीचे की भी चेक कर लेना है, और उसके बाद जो है तो टेस्टनर के लॉक जो है तो निकाल लेना है। बार बार दिखा रहे हैं आपको समझ आने के लिए। उसके बाद टाइमिंग जो है तो लॉक जो है तो निकाल लेंगे हम दोनों ही टेस्टनर के, फुल टाइट कर देना है उसको पहले 10 mm के बोल्ट को, और उसके बाद जो है तो टाइमिंग लॉक निकाल लेना है। नीचे का भी और ऊपर का दो हाइड्रोलिक टेस्टनर आते हैं इसे, I20 वरना फ्लूडिक क्रेटा, ये सभी की टाइमिंग एक जैसी होती है। उसके बाद आयल पंप को जो है तो अच्छा साफ कर लेंगे, डीजल मारकर वॉश करके लगा दिया है हमने इसे। ऑयल स्टेशनर को भी अच्छे से धो लेना है। उसके बाद क्रैंक की पुल्ली लगा देंगे, पूरी चीज़ें बताने के लिए जो है तो टाइम बहुत कम होता है, उस हिसाब से जो है तो एडिट कर आपको बताया है। पूरी अगर फिटिंग बताएंगे तो 2-3 घंटे का वीडियो हो सकता है।
ये टर्बो भी टाइट कर दिया है हमने, ऑयल पंप लग गया है, फाउंडेशन लग गया है, एल्बो के पाइप वगैरह लगा देंगे हम, इनलाइन मैनिफोल्ड भी टाइट कर दिया है हमने, टाइपेट कवर और इंजेक्टर लगाकर सेल्फ मारेंगे इसको। सेल्फ इसको मारते ही रेस पकड़ना होती है और थोड़ा सा रस्ट ऑफ सुंघाना पड़ता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। गाड़ी हो गई है हमारी स्टार्ट, इसके पास जो है तो इसको 2000 RPM के ऊपर पकड़ कर रखना होता है। पास 10 मिनट तक जो है तो इसको एक्सीलेटर पकड़ कर रखना होता है, इंजेक्टर जो है तो इसके बहुत जाम होते हैं, इसको फ्री होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी कड़कड़ करती है गाड़ी, फायरिंग करती है। इसके बाद जो है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हल्के से छोड़ना है वापस, फिर आइडलिंग में रुकेंगी गाड़ी है, नहीं तो इंजेक्टर जो है तो सर्विस कर कर लाना होते है। तो इसको 2000 RPM के ऊपर हम पकड़ेंगे थोड़ा सा, इंजेक्टर पूरे क्लीन होए तक, फिर उसके बाद ये आइडलिंग में रुकेंगी। उसके पहले जो है तो आइडलिंग में रुकती नहीं है गाड़ी, हल्का हल्का करके इसको छोड़ देना है। ये आइडलिंग में जो है तो रुक गई है हमारी गाड़ी, देख सकते हो फायरिंग जो है तो एकदम स्मूथ हो गई है, इसका एयर फिल्टर वो लगे हुआ नहीं है, इस वजह से थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा दिख रहा है। इसके एयर फिल्टर वगैरह इंटरकूलर के पाइप लगा देंगे हम,